स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में देश का युवा सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध सबके खिलाफ एक आंदोलन चलाए हुए था और वो आंदोलन अपनी चरम सीमा पे था। तो जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय आया तो अपेक्षा ये थी, मर्यादा ये मांग करती थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी अपने पद से त्यागपत्र देती, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र देने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद के हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ अपील डाली और अपने सलाहकारों से सलाह करके उस आदेश के अनुसार त्यागपत्र देने की बजाय देश में इमरजेंसी लगा दी। 25 जून की रात को इमरजेंसी लगी थी। भारत के इतिहास में शायद पहली बार हुआ कि रात को जब इमरजेंसी लगी तो देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुलाई थी। कैबिनेट की मीटिंग के अंदर ये पास नहीं हुआ था कि इमरजेंसी लगाई जाए। वो स्वयं ये प्रस्ताव लेकर फखरुद्दीन अली अहमद उस समय देश के राष्ट्रपति थे उनके पास गई और उन्होंने इमरजेंसी को स्वीकार किया।